सीएम साहब, ओपन माइक छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। अगर हम कहें कि हम इस वक्त देश के सबसे लोकप्रिय कांग्रेस नेता को सुन रहे हैं तो क्या हम गलत कहेंगे? वो अपना अपना दृष्टिकोण है, लोकप्रिय तो बहुत लोग हैं और यदि स्टेट के हिसाब से भी कहेंगे तो मुझसे सीनियर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं और फिर सिद्धारमैया जी अब दूसरे बार फिर से मुख्यमंत्री चुने हैं, तो लोकप्रियता का पैमाना कहना बड़ा कठिन है और ये निर्णय तो मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, जनता पे छोड़ता हूँ। किशोर का ये सवाल मुझे लगता है इसलिए भी था बघेल साहब, क्योंकि छत्तीसगढ़ अकेला प्रदेश है जहाँ विधानसभा चुनाव में हमें पहले से पता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। नहीं नहीं, आपको राजस्थान में भी पता है? हमें नहीं पता। आपको नहीं पता? नहीं पता। राजस्थान में तो बिल्कुल नहीं पता। बिल्कुल, चेहरा वही है, गहलोत जी हमारे सीनियर लीडर। जो सीएम है वही चेहरा बन के जाएगा? अमूमन ये होता है, जिस खासकर कोई भी पार्टी हो, आप चाहे कांग्रेस कहिए या भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री ही अमूमन चेहरा बनाया जाता है। जहां सत्ता में नहीं रहते तो फिर वो फिर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। तो हमें मान लें कि इस साल पार्टी आप ही के चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रही विधानसभा चुनाव। ये काम हाई कमान का है, वो डिक्लेयर करते हैं नहीं करते हैं कब करते हैं, तो वो हाई कमान का है। ये सवाल मुझसे ना पूछ के हाई कमान से पूछा जाना चाहिए। अब आप अपनी बात से मुकर रहे हैं, अभी आपने कहा जो मुख्यमंत्री का चेहरा होता है वो ही मुख्यमंत्री बनता है। मैं परंपरा की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन घोषणा तो हाई कमान ही करते हैं। पहले भी जो चेहरे हुए हैं तब भी हाई कमान ने ये घोषणा की। एक आध बार देखिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी उसके चेहरे को सामने रख के चुनाव लड़ा गया था पंजाब में पिछले समय। तो ऐसे वो मैं समझता हूँ वो रेयर ही है, लेकिन राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में तो इस प्रकार से होता है कि जो सत्ता में रहते थे उसके हिसाब से। लेकिन अब मध्य प्रदेश में होता है कि नहीं होता है देखने की बात है। मध्य प्रदेश में तो सत्ता आपको मिली थी तो वो ना मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। शिवराज सिंह जी चेहरे होंगे भारतीय जनता पार्टी के, नहीं होंगे ये मैं कह रहा हूँ। चलिए तो फिर छत्तीसगढ़ में तो ये मान ही लेते हैं कि कांग्रेस आपके चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि बघेल साहब राम के नाम पर लड़ रहे हैं। देखिए, हम लोग कभी अपने आदर्श पुरुष हैं या जिसे ईश्वर मानते हैं, जिस पे आस्था रखते हैं, उसके नाम से वोट नहीं मांगते। राम हमारा आस्था का है, आस्था हम सब के आस्था राम पे है, राम का ननिहाल है, इसलिए हम लोग तो भांचा राम के रूप में जानते हैं, यहाँ वनवासी राम के रूप में जानते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा समय उन्होंने काटा। सबरी के राम, सबरी माता यहीं के रहने वाली, और कौशल्या के राम, और हम सब के भांचा राम, हम लोग उस रूप में जानते हैं। राम के नाम से वोट नहीं मांगते, हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है, हम उसी पूछते हैं। तो ये जो कार्यक्रम राम वनगमन पथ का, इस पर जो आलोचना होती है कि अरे आपने तो बीजेपी का मुद्दा चुराने की कोशिश की है। देखिए क्या है कि छत्तीसगढ़ के लोग पहले दो तीन चीज़ों से जानते थे। एक तो यहाँ बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे खदानें हैं। दूसरा नक्सल के नाम से जानते थे, जब से राज्य बना है तब से नक्सल और नक्सलवाद बढ़ा ही है। यहाँ बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसके कारण से छत्तीसगढ़ को जाना जाना चाहिए। पहली बात तो हमारी जो संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की अपनी विशिष्ट परंपरा है, संस्कृति है, रहन सहन खान पान, इतनी बोलियाँ हैं छत्तीसगढ़ में जिसके आप सोच नहीं सकते। बस्तर में जाइए तो हर आपको 10-20 किलोमीटर में अलग अलग बोलियाँ मिल जाएगी, आपको 50 किलोमीटर मिल जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ रामवनगमन पर्यटन पर्वत है, यहाँ बैठे हैं उसे 15 किलोमीटर दूर पे आप जाएंगे आरंग, एक शहर है, आरंग विधानसभा भी और शहर भी है, बहुत पुराना है। वो एक जगह है जहाँ भगवान राम भी आए थे और भगवान कृष्ण भी वहाँ आए थे। मैं नहीं समझता कि और कहीं आपको पौराणिक कथाओं में आपको स्थान मिलेगा जिसमें राम और कृष्ण एक जगह गए हों, लेकिन छत्तीसगढ़ में वो स्थान है जहाँ राम भी गए थे और कृष्ण भी गए। तो हमारे छत्तीसगढ़ में रामवनगमन पर्यटन पर्वत भी है, भगवान कृष्ण के भी यहाँ अर्जुन के साथ आए थे, इसके भी कहानी आपको मिलेगी। फिर भगवान बुद्ध के सबसे बड़ा परिसर
मतलब 10 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ, सिरपुर इसी रोड पे जहाँ नागार्जुन आए थे, यहाँ तपस्या की, यहाँ आयुर्वेद में बहुत सारे शोध किए, कितने लोगों को पता है। तो ये सब चीज़ें हैं, जैसे हमने इसीलिए इसको बढ़ाने के लिए आदिवासी नृत्य महोत्सव कराया राष्ट्रीय स्तर पे, अब वो अंतर्राष्ट्रीय हो गए, 26 देश के लोग आ चुके हैं अभी तक के, 26 देश के जो आदिवासी कलाकार हैं वो आए और यहाँ प्रदर्शन किए, और वहीं पूरे देश में हमारा पहला राज्य है जहाँ रामायण महोत्सव हमने कराया रायगढ़ में अभी कुछ दिन पहले 1-2-3 जून को। तो हमारी जो पहचान है केवल उन दो कारणों से नहीं, पिछले सरकार ने कभी इन चीज़ों को बढ़ावा देने की कोशिश नहीं की, हम लोग उस हिसाब से अब छत्तीसगढ़ को दूसरे रूप से जानने लगे हैं लोग, तो ये हमारी उपलब्धि है कि छत्तीसगढ़ को सही रूप में पहचाना जाए, ये हमारी कोशिश। और आपको ये तो छत्तीसगढ़ की पहचान हुई, आपकी पहचान सीएम बनने के बाद से जैसा हमने कहा एक तो लोकप्रिय कांग्रेस नेता के रूप में हुई देश भर में, और हाई कमान को डिफेंड करने में, कोई भी जो वार आता है राहुल जी पर प्रियंका जी पर आप सबसे पहले उसको डिफेंड करने आते हैं, ऐसा क्यों? देखिए मेरी दो पहचान है, एक तो मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, ये मेरी पहली पहचान, दूसरी पहचान मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता हूँ, मेरी दो पहचान। ये अभी मुस्लिम लीग वाले बयान पर भी आपने डिफेंड किया, मुस्लिम लीग सेकुलर है भाई, ये जो मुस्लिम लीग अभी केरल में दिखाई दे रहा है वो दूसरा है, वो जो पुराने वाले जो जिन्ना की जो मुस्लिम लीग है उसके साथ तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी गठबंधन करके बंगाल में सरकार बनाई थी, तो संबंध इनके है भाई, हमारे नहीं है। लेकिन नाम में तो मुस्लिम है ना, नाम में ही जब धर्म है, नाम है तो सेकुलर कैसे भाई? ऐसा है बहुत सारे संगठन है जिसके नाम से जुड़ा रहता है, तो इसके मतलब ये थोड़ी है कि वो सांप्रदायिक हो गया, तो उनके कार्य भी है, उनके आप एजेंडा देखेंगे, आप उनके मैनिफेस्टो देखेंगे, उससे पता चलेगा, आपका नाम कुछ रख दे माता पिता तो आप क्या उसी प्रकार से हो जाएंगे, आपकी पहचान तो आपके कार्यों से होता है, एक तो नाम जिसे हम पुकारते हैं, दूसरा ये है जो आपके कार्य हैं उससे पहचान होती है। तो फिर बजरंग दल बैन क्यों? बजरंग दल बजरंग बली के नाम से आप गुंडागर्दी नहीं कर सकते, बजरंग बली ने दिखा दिया अभी किसके साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग खूब बजरंग बली का नारा लगाया और रिजल्ट आया तो बजरंग बली सत्य के साथ हैं, धर्म के साथ हैं, और उन्होंने कर्नाटक ने दिखा दिया कि बजरंग बली किसके साथ हैं, बजरंग दल आप रखे रहो, बजरंग बली के रास्ते में हम लोग चल रहे हैं। लेकिन बजरंग दल बैन होने वाला है क्या छत्तीसगढ़ में? ये तो देखिए एक राज्य ने घोषणा की है और दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं आप, ये सवाल तो आपको कर्नाटक में पूछना था, आपने कहा ना आप कांग्रेस के कार्यकर्ता, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता से, ठीक है ना, राष्ट्रीय स्तर पे जब चुनाव होते हैं तो अलग अलग राज्य के अलग अलग घोषणा पत्र है, राष्ट्रीय स्तर पर होगा तो उसके अलग घोषणा पत्र है, यदि छत्तीसगढ़ में होगा तो छत्तीसगढ़ के अपने घोषणा पत्र है। अब मैं मतलब जिन राज्यों में धान उत्पादन नहीं होता और वहाँ मैं बोलूँगा हम धान खरीदेंगे तो बात थोड़ी बनेगी, लेकिन छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन होता है तो धान खरीदी होती है। अब मैं बोलूँगा मैं ये कहूँ छत्तीसगढ़ में हम सेब की कीमत को इतना करते हैं तो यहाँ सेब का उत्पादन तो होता नहीं भाई, वो हिमाचल में होगा यार या कश्मीर में होगा। लेकिन हमने ये सवाल इसलिए आपसे मुख्यमंत्री जी पूछा क्योंकि जब हमने ये पूछा कि क्या आप चेहरा होंगे 2023 का तो आपने राजस्थान का एग्जाम्पल दिया, नहीं वो आप कॉन्फिडेंट थे? दोनों सवाल अलग अलग हैं भाई, दोनों सवाल को क्लब मत करिए और दोनों सवाल के उत्तर अलग अलग हैं, वैसे एक सवाल के बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, है ना, सवाल एक है लेकिन उत्तर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन दो सवाल को क्लब मत करिए। अच्छा फिर थोड़ा इसे घुमा के पूछ लेते हैं, मुस्लिम लीग को आपने कहा कि कार्य से पता चलता है कि आप सांप्रदायिक हैं, फिर ये चीज है सुनिए, तो बजरंग दल की कार्य प्रणाली पे फिर बता दीजिए मैडम, ये केरल तक के सीमित है मुस्लिम लीग, वहाँ कांग्रेस के साथ गठबंधन है वहाँ स्थानीय तौर पर, बजरंग दल सब जगह है। बजरंग दल के बारे में ये है कि जितने छटे हुए लोग हैं वही लोग आते हैं, जब लड़ाई झगड़ा करना होता तभी आते हैं,
जब यहाँ किसी हमला करना है तब वो पहुँचते हैं, हिंसा करना है तब पहुँचते हैं। अरे बजरंग बली के से बड़ा कोई ध्यानी नहीं, बजरंग बली से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, बजरंग बली से बड़ा कोई भक्त नहीं, और उससे बड़ा कोई बलशाली नहीं। तो बजरंग बली वो हैं, और जिस नाम से आप रखे हो उनका कृत्य देखो, ना वहाँ ज्ञान है, न बल है, न ध्यान है, न भक्ति है, तो आप में समानता कहाँ है? ये बताइए, हम आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं, यूथ कांग्रेस के दिनों में। जी, तो यूथ कांग्रेस के समय आपने कुछ ऐसा सोचा था जो आपने सीएम बन के इम्प्लीमेंट किया? देखिए ऐसा कि हम लोग तो कभी राजनीति में बेसिकली हम लोग किसान हैं, गांव में खेती करते थे, पढ़ लिख के गए, साइंस कॉलेज से निकले, खेती करने शुरू कर दिए। जो समय बचता था लोगों के हित में, गांव वालों के हित में, कभी किसी कार्यालय में कोई काम अटका है तो वहाँ चल देते थे, बात कर लेते थे। कभी खेतों में पानी नहीं पहुंच पा रहा था तो किसान आंदोलन कर लेते थे। फिर राजीव जी राजनीति में आगमन हुआ तो उसे प्रेरित हुए, हम लोग यूथ कांग्रेस में जुड़ गए, और इस प्रकार से सफर शुरू हुआ। कोई सोच के नहीं आए थे हम कि अब मुख्यमंत्री बनेंगे तब ये करेंगे। हम तो हमारे परिवार में कोई विधायक नहीं था मेरे पहले, मैं पहला विधायक हूँ। तो ये जरूर सोचते थे कि जब स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, 15 अगस्त 26 जनवरी के जो क्षेत्र के विधायक आते थे, लंबी लंबी भाषण देते थे, हम लोग उब जाते थे। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि लंबी भाषण ना हो ताकि पब्लिक न उबे। दूसरी बात यह है कि जो सुविधाएं, मैं सोचता था कि जो सुविधाएं शहर में हैं वो सुविधाएं गांव में क्यों नहीं हैं? सरकार तो वही है, हम लोग भी मतदाता हैं, हम लोग भी वोट देते हैं, तो वो सुविधा हमको गांव में मिलना चाहिए, वो संपन्नता हमारे गांव होना चाहिए। ये जरूर सोचता था मैं। जब हम शहर में आते थे तो स्ट्रीट लाइट भी, सड़कें भी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी, ये सब दिखते थे, गांव वो सब चीज़ों का अभाव होता था। तो ये बात मन में रहता था कि ये अंतर नहीं होना चाहिए, गांव में भी सारी सुविधाएं होनी चाहिए। तो कोशिश हमारी ये है कि इन 4.5 सालों में कि गांव के लोगों को संपन्न बनाने का काम हमने किया, चाहे किसान हो, मजदूर हो, चाहे लघु उपज के संग्रहण करने वाले हो, संपन्नता तो गांव में आई है। तब यूथ कांग्रेस में तब भी दो गुट थे? देखो जिस नेता के साथ जुड़ गए तो उसके गुट का कहलाया कोई, भाई मेरे हर नेता से संबंध नहीं हो सकते। देश में आज मैं मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन क्या सभी देश के सभी नेताओं से मेरे संबंध अच्छे हैं या सभी से खराब हैं? ऐसे नहीं, मैं किसी नेता से जुड़ गया तो समझ लिया फिर मैं उसके गुट का हो गया, ये है। लेकिन गुटबाजी एक्चुअल में नहीं है। यहाँ पे सरकार में तो है लोग, भाई कोई कार्यकर्ता किसी नेता से जुड़ गया, अब मान लो सुकमा कोंटा का आदमी कोई बलरामपुर के नेता से संपर्क में तो आएगा नहीं, वो उसी से होगा, प्रदेश स्तर के नेता उससे जुड़ जाएंगे। तो उसी प्रकार से था, मध्य प्रदेश में हम लोग थे तो दिग्विजय सिंह जी भी थे, माधवराव सिंधिया भी थे, अर्जुन सिंह जी थे, और हमारा कमलनाथ जी, और हमारे श्रीनिवास तिवारी जी, बड़े बड़े नेता थे। लेकिन हम लोगों के पास जो संपर्क, जिसके संपर्क में हम लोग आ गए, जिसके व्यक्तित्व हम लोगों को अच्छे लगते थे, हम उनके साथ जुड़ गए, तो वो समझ लीजिए फिर उसका गुट हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, पब्लिक में कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं होता इससे? जब आप वो यदि सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे तब तो कोई बात नहीं, यदि प्रतिद्वंद्वता आ गई और कटुता आ जाए तब फिर वो नुकसानदायक हो जाता है। क्षेत्रीय स्तर पर दो गुट दिखाई देते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर दो चेहरे दिखाई देते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, दोनों में से कौन? क्या चीज? आप अभी तो हमारे खड़गे जी नेता हैं, खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो नहीं, चुनाव किसके नाम पर लड़ा जाएगा अगला, लोकसभा वाला? वो तो पार्टी तय करेगी। आप क्योंकि दोनों के करीब माने जाते हैं, राहुल के भी और प्रियंका के भी। देखिए एक चीज है, जब राहुल जी इस्तीफा दिए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से, तब भी मुझे अनेक चैनलों में, अनेक मीडिया हाउस के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम किए गए और मुझसे सवाल पूछा गया। उस समय भी मेरा जवाब वही था और आज भी जवाब मेरा वही है कि यदि व्यक्तिगत तौर पर भूपेश बघेल से पूछा जाए
मैं यही कहूंगा कि राहुल गांधी को ही चेहरा बना के चुनाव लड़ा जाना चाहिए। लेकिन सीएम साहब, फिर राहुल गांधी यात्रा लेकर छत्तीसगढ़ क्यों नहीं आते? रास्ते में नहीं पड़ा इस कहां से, अब छत्तीसगढ़ खिसका नहीं सकते थे हम लोग। आपने कभी कहा, आमंत्रित किया कि आप? और राष्ट्रीय स्तर पे जितने बार राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ आए हैं, उतना कोई नेता नहीं आया है हमारे कांग्रेस में। अब जो ये दूसरा लेग बन रहा है रास्ता का, यात्रा का, इसमें आप कोशिश करेंगे यहां से निकले? मैं सुन रहा हूं आप ही लोगों के मुंह से कि दूसरी यात्रा भी निकालने वाले हैं, मुझे जानकारी नहीं है। यदि बनता है तो फिर निश्चित रूप से बीच में ही आएगा। हमने तो आप ही लोगों से सुना, मतलब कांग्रेस के लोगों से सुना। आप दिल्ली से आए ना? हाँ। मैं दिल्ली बहुत दिन हो गए नहीं गया। ओहो। अच्छा, दिल्ली की आपने बात की, वो वहां पे फ्री बिजली देते हैं दिल्ली वाले, दिल्ली की सरकार वाले, तो आप कहते हो ये फ्री भी है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए वैसे नहीं होना चाहिए, लेकिन आप भी तो यहाँ पे दे रहे हो बेरोजगारी भत्ता दे रहे हो, ये सब दे रहे हो, तो उनकी पॉलिटिक्स गलत और आपकी सही क्यों? नहीं, आप तो भाजपा वालों की तरफ बोल रहे हो, दिल्ली वाले नहीं बोल रहे हैं। नहीं, जो दिल्ली वाले भी फ्री में दे रहे हैं बिजली, जो स्कीम चलाई थी उन्होंने, उसी तरह आप भी देखिए तो, हाँ। यदि बिजली की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में, अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश में ही शुरू हो गया था। हाँ। यदि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं तो 30% 30 यूनिट तक की बिजली फ्री, ये तो गरीबी रेखा नीचे वालों को पहले से मिलता था जब मध्य प्रदेश में थे तब। उसी समय आप देखेंगे कि जो 5 हॉर्स पावर और 3 हॉर्स पावर तक के बिजली बिल में छूट दिया गया था ताकि किसानों को सुविधा हो सके, किसान बढ़ सके, क्योंकि सिंचाई का रकबा, सिंचित रकबा छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में कम ही था, तो इसलिए उनको सुविधाएं दी गई। तो वो ये कोई केजरीवाल ने शुरू नहीं किया है, बहुत पहले से अर्जुन सिंह जी के समय से, फिर दिग्विजय सिंह, मोतीलाल वोरा, दिग्विजय सिंह, सबके समय से चला आ रहा है। Life.